खबर उत्तराखंड के पिरान कलियर से है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश ने कलियर की दरगाह को पानी में डुबो दिया है। इससे प्रशासन की नाकामी तरा रही है। अगर प्रशासन 15 जून से पहले नालों को साफ करके दुरुस्त करवा लेता तो ठीक रहता, लेकिन प्रशासन लगातार बारिश और पानी भरने से जागा और उसके बाद आनन फानन में नालों की सफाई शुरू की गई। दरगाह में पानी भर गया और काफी नुकसान हुआ। दरगाह प्रबंधक द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। दुकानों में भी पानी भर गया और घरों में भी पानी भर गया। इससे महमूदपुर, मुकरपुर, पिरान कलियर और बेतपुर को काफी नुकसान हुआ। वार्ड नंबर 9 की तो हालत और भी बुरी है। आनन फानन में जेसीबी मंगवाई गई और नाले को खुलवाया गया, तब जाकर वार्ड नंबर 9 के वासियों को राहत की सांस मिली। अगर अधिशासी अधिकारी पिरान कलियर और चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ध्यान देते तो ये स्थिति पैदा ना होती। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।